पूरे झारखंड में लॉकडाउन है, बावजूद इसके रांची में कई लोग सड़कों पर नजर आए, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोका। यहां का जायजा लिया सहयोगी शाहनवाज ने। लॉकडाउन का मजाक उड़ाता हुआ एक मंजर हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये है हरमू रोड, जहां पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है और ये सिपाही हैं, ये रोक रहे हैं, उनको जाने नहीं दे रहे हैं आगे। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या बात है। ये देखिए, ये बहस चल रही है, ये यहाँ पे रास्ते को ब्लॉक कर रखा है और दोनों दिशाओं से गाड़ी आ रही है। एक अजीब सी केओस की स्थिति बन गई है और इन लोगों को, किसी एक व्यक्ति को छोड़ दिया गया है, बाकी देखिए ये धीरे धीरे आगे गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है, किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। इस स्थिति से लोग बेहद चिंतित हैं, परेशान हैं। हालांकि कहा गया था कि सुबह इंसान को सौदा सुलभ लाने के लिए थोड़ी सी मोहलत दी जाएगी, लेकिन लोगों ने समझा कि ये मोहलत नहीं है, ये एक आसानी है और आराम से अपनी अपनी गाड़ियों से निकल पड़े हैं। ये देखिए, और ये जाम का नजारा है। ये यहाँ के लोगों को लगा कि ये आम लॉकडाउन हुआ है, लेकिन ये आम लॉकडाउन नहीं है, ये बाकायदा एक लॉकडाउन है जिसको हर कीमत पर प्रशासन लागू करना चाहता है। भीड़ में एक एम्बुलेंस भी फंसी हुई है, देखिए एम्बुलेंस तक को रास्ता देने की किसी को सोच नहीं है, ख्याल नहीं है। ये एक एम्बुलेंस भी फंसी हुई है, बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस अपना रास्ता तलाश रही है। आइए हम बात करते हैं। सर ये बताइए, ये क्यों रोक रहे हैं? ये दुकानदार कोरोना जो बीमारी है उसके संबंध में शांति कायम करने के लिए उसे ये तो रास्ता क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? उसको ले रोक के रास्ता ब्लॉक नहीं किया जा रहा बड़े भाई, जो मूवमेंट वो कम जाना आवश्यक मूवमेंट जो लोगों का हो रहा है वो कोई जरूरी काम से निकला होगा, जा दिया जा रहा है मेडिकल पर्पज से, सबसे मेडिकल पर्पज एम्बुलेंस वाले लोग हैं जो विशेष काम में कोई जा रहे हैं सबको जाने दिया जा रहा है, लेकिन जो अनावश्यक मूवमेंट हो रहा है उनको हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम मूवमेंट हो। तो बहरहाल प्रशासन ने यह तय कर लिया है कि रांची में सख्ती से लॉकडाउन को लागू करेगी और अनावश्यक किसी भी तरह के मूवमेंट को होने नहीं देगी। कैमरामैन नवल प्रसाद के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज 11 भारत, रांची।